ओके सो ये इंटरमीडिएट का प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स का और हमें को इसको सॉल्व करना है. सो दिस डाटा हियर इज़ गिवन, ठीक है, और हमको फोर ऑप्शंस है जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है. तो हमको इसको सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड. ओके सो वी हैव टू फाइंड साइन 3 थीटा एंड साइन 3 थीटा शुड बी इक्वल टू वन ऑफ दीज ऑप्शंस. हमको वो फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है टैन ऑफ 2a का एक्सपेंशन है. टैन ऑफ 2a का एक्सपेंशन क्या होता, 2 tan a बाय 1 माइनस tan² a, ठीक है. सो ये एक्सपेंशन को हमको रिवर्स लेना है. सो वी हैव दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. इसको हम रिवर्स में लेंगे तो क्या होगा, कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये टैन ऑफ 2a होना चाहिए. तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है, 7.5. तो क्या करना है हमको, टैन ऑफ 2 × 7.5, ठीक है. तो 7.5 का 2 टाइम्स कैसे करना है, तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 + 1 = 15/2. तो ये 2 2 कैंसिल एंड वी गेट टैन ऑफ 15. सो कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टैन ऑफ 15. अब ये टैन को हमको कॉट में कन्वर्ट करना है, टैन को हमको कॉट में कन्वर्ट करना है. तो टैन थीटा वी नो इट इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा. टैन एंड कॉट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर. तो 90 माइनस थीटा में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ 90 माइनस 15, और जो हो जाएगा कॉट ऑफ 75. कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ 75. सो थीटा इक्वल्स 75 डिग्रीज. ये हमारा आंसर आ गया. अब ये 75 ले जाकर हमें किस में सब्स्टिट्यूट करना है, साइन ऑफ 3 थीटा में. तो साइन ऑफ 3 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3 × 75, और साइन ऑफ 3 × 75 = 225. और इसको हम 180 माइनस में लिख सकते हैं, 180 प्लस 45 लिख सकते हैं हम इसको. और ये क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है. 225 का जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता, एंड दिस एंगल वी हैव टेकन एज 45 डिग्रीज, 180 प्लस 45. तो यहाँ पर साइन का वैल्यू रहता है नेगेटिव, तो माइनस. सो साइन 180 प्लस 45 विल बी इक्वल टू माइनस, एंड बिकॉज इट इज़ 180 साइन विल नॉट चेंज टू कॉस. तो साइन ऑफ 45 होता, एंड साइन 45 इज यस. तो दिस इज द आंसर. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर शुड बी इक्वल टू ए, ठीक है. तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक से सॉल्व करना है.